दोस्तों, वैसे तो ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये हमारे दिल में कोलेस्ट्रॉल से होने वाले ब्लॉकेज को ख़त्म करने का काम करता है, जिससे हमें हार्ट अटैक नहीं आता। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे किसी जानने वाले की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो गई, या किसी की हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से एंजियोप्लास्टी में 7-8 लाख का खर्चा आया। जब हमें इस तरह की खबर मिलती है तो हमें अफसोस होता है कि काश मैंने उन्हें पहले ओमेगा 3 के फायदे के बारे में क्यों नहीं बताया, उनका हॉस्पिटल खर्च बच जाता या उनकी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, ओमेगा 3 तो हर आदमी की डाइट में जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आपको अलग से सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ओमेगा 3 अलग से नहीं ले रहा है तो कम से कम उन्हें पहले से ये पता चल जाए कि वो दिल के मरीज बन रहे हैं, तो वो समय रहते फ्लैक्सिड ओमेगा 3 का सेवन शुरू कर दें और बीमारी से बच सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको उन लक्षणों के बारे में बताती हूँ जो हमें बताते हैं कि हम दिल के मरीज बन रहे हैं, जिससे हम समय रहते फ्लैक्सिड ओमेगा 3 का सेवन शुरू कर दें। हमारा शरीर किसी भी तरह की बीमारी के शुरू होने से पहले हमें कुछ संकेत देता है जो ये बताते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो शुरू नहीं हो रही है। दरअसल कई बार हम गंभीर लक्षणों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये लक्षण आम हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के बहुत ज़रूरी अंग जैसे दिल, किडनी, लीवर आदि हमें बीमारी से पहले कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं। आज हम आपको दिल की बीमारी के कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दिल की बीमारी शुरू होने से पहले हमारा शरीर हमें कई तरह के लक्षण दिखाता है, जैसे इनडाइजेशन या पेट का दर्द। कई बार अचानक इनडाइजेशन या पेट का दर्द शुरू होता है और ये लगातार बना रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी न किसी दिन एक या दो बार आपका पेट खराब रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि लगातार कई दिनों तक ये समस्या आपके साथ बनी रहे, जबकि आपकी डाइट आदि में कोई बदलाव न आया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें। महिलाओं में ये समस्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। ये लक्षण उन्हें पहले दिखता है। बार बार चक्कर आना। आपको ऐसा अगर बार बार लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहा है, माइंड कंट्रोल नहीं है और बार बार ये लगे कि आप बस अब बेहोश हो जाएंगे, तो ये चिंता का विषय है और दिल की बीमारी का एक लक्षण भी। कुछ मामलों में ये नर्वस सिस्टम की खराबी या बैकबोन या ब्रेन क्लॉटिंग को भी दर्शाता है। लेकिन अगर दिल की बीमारी शुरू होने वाली है तो उसका एक लक्षण ये हो सकता है, चाहे कोई भी कारण हो, ये बिल्कुल सही नहीं होता और इसे इग्नोर करना सेहत के साथ खेलने जैसा है। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ध्यान रहे कि एक आध बार चक्कर किसी खाने पीने की समस्या के कारण हो रहा हो या बीपी की वजह से, लेकिन अगर ये लगातार बना हुआ है तो चिंता का विषय है। बहुत ज़्यादा थकान बना रहना। अगला लक्षण थकान का होता है। थकान ऐसी नहीं कि बहुत काम कर लिया तो थक गए, बल्कि थकान ऐसी कि आप ये भी ना समझ पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिन भर का काम करना भी मुश्किल रहे और जरा सा उठने बैठने पर आप हाँफने लगें। ऐसे में आपका दिल आपको इशारा कर रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और डॉक्टर से संपर्क करें। अचानक खर्राटे लेकर सोना। कई बार लोगों को साइनस की वजह से या फिर नाक के आकार की वजह से खर्राटे आते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई समस्या नहीं है और अचानक खर्राटे शुरू हो गए हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जब हम खर्राटे लेते हैं तो हमारी सांस स्टॉप हो जाती है और अगर आपके खर्राटे अचानक शुरू हुए हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। पैर, एड़ियों और तलवों का सूज जाना। पैरों में लगातार सूजन का बना रहना किडनी और दिल की बीमारी का संकेत माना जा सकता है। जब हमारा दिल अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो इन अंगों तक सही तरह से खून भी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में सूजा सूजा महसूस होता है और आपके पैरों के तलवों और एड़ियों, पैरों और तलवों पर ब्लॉटिंग होने लगती है
ऐसे में अगर आपको लगता है कि पैरों में लगातार सूजन बनी हुई है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दिल की धड़कन और पल्स रेट का बढ़ना और गिरना। आपके दिल की धड़कन आपको ये बता सकती है कि दिल की बीमारी शुरू हो रही है या नहीं। पल्स रेट का अचानक बढ़ना गिरना ये भी इस बात का अंदेशा दे सकता है। आपको अचानक घबराहट होना और दिल का तेजी से धड़कना। अगर किसी चीज़ से डर गए हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ लिए हों, बहुत एक्साइटेड हों, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप सामान्यतः जैसे बैठते हैं वैसे बैठे हैं और अचानक घबराहट, पसीना और दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना दिखता है तो ये लक्षण सही नहीं हैं। इनके अलावा दिल की बीमारी के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे सीने में दर्द, बार बार सांस फूलना, बार बार हाथ या पैर का शून्य हो जाना या वीक हो जाना, लेफ्ट आर्म में दर्द और उसका शून्य हो जाना, अपर एब्डोमिन या बैक में दर्द होना। ऐसा कोई भी असामान्य लक्षण अगर आपको दिख रहा है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इन लक्षणों को पहचान करके समय रहते गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इन वीडियो को बनाने का हमारा मकसद होता है हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सिखाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।